और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं नंदीग्राम, जहां पर ममता बनर्जी रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नंदीग्राम का घमासान जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज मैदान में शाह भी हैं, बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, और इसी को लेकर के ममता बनर्जी को आप देखिए, ममता बनर्जी अकेले सिर्फ और सिर्फ अपनी व्हील चेयर के सहारे जगह जगह पहुंचती हुई। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी इस वक्त रोड शो कर रही है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है और ऐसे में कई दिग्गज जो है वो अपनी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ममता बनर्जी को आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इस वक्त रोड शो करती हुई नजर आ रही है, उनके साथ यहाँ पर भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं जो साथ साथ उनके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अहम खबर, बंगाल की लड़ाई, नंदीग्राम की चढ़ाई आपको हम दिखा रहे हैं, और थोड़ी ही देर में अमित शाह का भी रोड शो होने वाला है। अमित शाह के रोड शो से पहले ममता बनर्जी के रोड शो की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप कैसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो आज इन रोड शो के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन जाहिर करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें नंदीग्राम की, जहाँ पर आप देखिए व्हील चेयर के सहारे कैसे ममता बनर्जी इस रोड के शो का हिस्सा बनी है, और अब इसके बाद थोड़ी ही देर में अमित शाह का भी रोड शो यहाँ पर होना है। तमाम दिग्गज आज यहाँ पर मौजूद है, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है नंदीग्राम में ममता बनर्जी के रोड शो की। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे आज ममता बनर्जी यहाँ पर रोड शो कर रही है। तो नंदीग्राम का समीकरण भी ऐसे में समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कहता क्या है, क्योंकि सबकी नजर नंदीग्राम पर जमी हुई है। ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में शाह यहाँ पर रोड शो करते नजर आएंगे, तो थोड़ी देर में अमित शाह का भी शक्ति प्रदर्शन आप देखेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए नंदीग्राम में ममता बनर्जी का रोड शो आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर नंदीग्राम का जो समीकरण है, तो यहाँ पर 62,000 मुस्लिम वोटर्स पर सबकी नजर है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, ममता बनर्जी भी लगातार इसी कंडीशन में, उनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन व्हीलचेयर के सहारे वो डटी हुई है, वो पीछे नहीं हट रही है, वो कह रही है अगर मैं हट गई तो फिर बुरा हो जाएगा और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक दम है तब तक लड़ूंगी। तो वो इसी कंडीशन में देखिए उनके पैर में चोट है, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ पर पहुंच रही है, जगह जगह जा रही है, आज नंदीग्राम में वो यहाँ पर है, व्हीलचेयर पर मौजूद है ममता बनर्जी जो इस रोड शो का हिस्सा बनी है, और थोड़ी देर में अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लगातार हर कोई यहाँ पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल आपको बताएं कि अमित शाह जो है वो भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं, ममता भी डटी हुई है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के प्रत्याशी अब्दुल कबीर शेख को 81,000 से भी अधिक मतों से हराया था, ये वही जगह है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि आज अहम दिन इसलिए भी है बंगाल में, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज, और इसी चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होने हैं, तो लिहाजा ये सीट बेहद खास है। पूरे बंगाल में नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि सालों तक साथ राजनीति करने के बाद ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अब आमने सामने हैं, दोनों की टक्कर सीधे एक दूसरे से है, और ऐसा नहीं कि एक दो साल का साथ रहा हो, कई वर्षों का साथ रहा, कई वर्षों तक साथ राजनीति की दोनों ने, लेकिन अब वो साथ जो है वो टूट चुका है, और उसके बाद अब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं, और अब जो शुभेंदु अधिकारी है उनका साथ देने के लिए अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके समर्थन में वो रोड शो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि इस इलाके में, विधानसभा क्षेत्र में, इस मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो लगभग 62,000 है, और ये जो कोशिश है इन सबकी तरफ से की जा रही है रोड शो करने की, नंदीग्राम में डटे रहने की, वहां की जनता को लुभाने की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दिशा के एंगल से देखी जा रही है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश यहाँ पर सबकी है। तो 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के प्रत्याशी अब्दुल कबीर शेख को यहाँ से हराया था, 81,000 से भी अधिक मतों से चुनाव हराया था, और उस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 मत मिले थे यहाँ से। लेकिन ये जो चुनाव है ये बेहद अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चुनाव में हालात जो है वो बदल चुके हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में आप देखिए
देखिए ममता का रोड शो लाइव, नंदीग्राम का संग्राम देखिए आप कि कैसे ममता व्हीलचेयर के सहारे धीरे धीरे नंदीग्राम के लोगों से मिल रही है, रोड शो कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो है अमित शाह के रोड शो की तैयारियों की, कि तमाम कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ मौजूद है यहाँ पर। अमित शाह का रोड शो बस थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अहम खबर आ रही, ताजा अपडेट आपको कर देते हैं कि अमित शाह का रोड शो भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी लाइव, तो दोनों ही जगह आप देखेंगे। तो कैसे एक यहाँ पर अगर हम बात करें, कोरोना को भी हम यहाँ पर नहीं भूलेंगे क्योंकि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों ही शोज में देखिए कैसे एक बड़ा हुजूम लोगों का नजर आपको आएगा, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आएगी। किसी के पास कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सब माफ होता है, खासतौर पर राजनीतिक दलों को। और ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नंदीग्राम की, जहां पर एक तस्वीर में ममता बनर्जी को आप देखिए, दूसरी तस्वीर है अमित शाह के रोड शो की। तो दोनों ही निकल पड़े हैं और धीरे धीरे इन दोनों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। नंदीग्राम की सड़कों पर इस वक्त महासंग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो दिग्गज राजनीति की दो ऐसी शख्सियत जो इस वक्त नंदीग्राम की सड़कों पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। तो सीधा सीधा अमित शाह आए हैं स्वंदु अधिकारी के समर्थन में यहाँ पर रोड शो करने के लिए, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खुद ने मोर्चा संभाल रखा है और वो खुद ही अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए व्हीलचेयर के सहारे आज नंदीग्राम की सड़कों पर नजर आ रही है। तो अमित शाह यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी के रोड शो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी की सीधी तस्वीरें, अमित शाह का रोड शो की तैयारी आप देखिए, पूरी तैयारी है, दोनों के साथ अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो जो अपने अपने सपोर्टिव है, कैंडिडेट है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ममता बनर्जी को आप इन देखिए इन तस्वीरों में, कि ममता बनर्जी यहाँ पर दरअसल खुद इस वक्त सामने है शुभेंदु अधिकारी के। हालात इसलिए भी बदले हुए हैं क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी, वो शुभेंदु अधिकारी जो जिन्हें इससे अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से 134,623 मत मिले थे, लेकिन इस चुनाव में हालात कैसे बदल गए क्योंकि अब खुद उनके सामने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी है। ममता बनर्जी से सीधा उनका सामना है, दोनों में आमने सामने की टक्कर है, और साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया है ममता बनर्जी ने कि वो गुरुवार तक यहीं पर रहेंगी। तो आप देखिए कि कैसे फिलहाल यहाँ पर सड़कों पर एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा है लोगों का, एक भीड़ की शक्ल में ही देखे। अब देखिए अमित शाह नजर आ रहे हैं, सीधे तस्वीर आपको हम दिखाना, अमित शाह कैसे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर सबको नमस्ते करते हुए, और सीधी तस्वीरें नंदीग्राम से, अमित शाह भी नंदीग्राम की सड़कों पर और उन्हें शॉल उड़ा करके स्वागत करते हुए, वहां जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो पार्टी के लोग वहां पर मौजूद हैं, सभी लोग अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए। तो नंदीग्राम में संग्राम, ममता के रोड शो की लाइव तस्वीरें आपके सामने, शाह के रोड शो की लाइव तस्वीरें आपके सामने, और बस अब देखना होगा कि दोनों में से अगर कोई कुछ बोलेगा तो किस पर कितनी गरज के साथ आज की बयानबाजी होती है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और जो वही राजनीतिक जानकार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो साफ ये मान रहा है कि बंगाल में अधिकारी परिवार की लगभग 60 सीटों पर मजबूत पकड़ रही है। जी हाँ, अधिकारी परिवार वही जिससे शुभेंदु अधिकारी आते हैं, और ये उनके लिए लोकल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि वो यहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। लेकिन वही अगर बात करें उनके सामने कैंडिडेट की, तो खुद ममता बनर्जी खड़ी है, उनका 10 साल का मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव बहुत कुछ कहता है ममता बनर्जी का। तो किसका अनुभव काम आएगा, या फिर किसकी जो अधिकारी परिवार है जिनकी 60 सीटों पर मजबूत पकड़ रही है वो पकड़ काम आएगी, तो देखना होगा कि यहाँ की जनता किसके हक में जाएगी और किसकी बात उसे अच्छे से उसके दिल में उतर पाएगी। तो फिलहाल तस्वीरें अमित शाह के रोड शो की आपको हम दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि कैसे यहां पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही हैं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपके लिए।